हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और राजा सरक गए। अरे सरक गए जो सर से वो धीरे धीरे सरक गए हम भैया धीरे धीरे तेरी जो नरिया तेरी ये बिंदिया दिल ले गए सन के जो सन के वो दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है क्या आज कुछ तो है यार, पता है आज ट्यूसडे, आई थिंक वेट डे याद है मेरे को, दिन याद मेरे को, तो तारीख याद है, मुझे डे नहीं याद हो रहा। 31 तारीख है ये पता है मुझे बस। हाँ तो आज है ट्यूसडे 31 तारीख। और आपको पता है अभी हम लोग गए थे थोड़ा सा सामान वो करने, सी अभी LED ख़राब हो गई। पता है आपको हम लोग के घर में ना इतने सालों से कोई चीज़ ख़राब नहीं हो रही थी। वॉश मशीन की ख़राब हुई, जुगाड़ करके हाँ वॉश मशीन की ख़राब हुई तो हमने बालकनी की वहाँ पे लगाई, ठीक है। अब वॉश मशीन की ख़राब हो गई, हम लोग को लगा जो जुगाड़ कर लेते बाहर नहीं जाना। उसके बाद बाथरूम की भी ख़राब हो गई, ठीक है। अब यहाँ सामने बरामदे की ख़राब में कोई लगाया, पता नहीं CFL अब क्यों ख़राब होनी शुरू हुई। तो हम लोग CFL का जो जुगाड़ है वो करके CFL को कोरोना होता जा रहा है। हाँ पता नहीं हमारे घर में CFL कोरोना नहीं हो रहा है, कोरोना हो रहा है, कोरोना हो रहा है। तो फिर ये हम लोग लेके आए, फिर मैं एक ऑल आउट लेके आई। और इन सब की चीज़ों के चक्कर में जब हम गए तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे मिल गई, वो थी आशीर्वाद आटा, जिसके और ब्रेड चार पैकेट में। हाँ तो ये हुआ। और फिर हम थोड़ा सामान ले आया, मैं आलू दे पराठे विद बटर बना रही हूँ। और आलू दे पराठे के लिए आलू आ गए हैं। और पराठे विद बटर ये जो है हमने उससे बोला था दो ब्रेड देने के लिए, वो इंसान ये चार ब्रेड दे दी उसने पता नहीं क्यों। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मैं बता रहा, क्या हुआ है कि पहले शानी ने ये वाली उठा के रख दी थी गुड्डे ब्रेड करके कोई है। ये अलग है। हाँ ना तो सुनो तो गुड्डे ब्रेड तो मेरे को लग रहा है ये अच्छी सी नहीं दिख रही थी, वैसे है सेम ही अपना। तो मैंने गुड मॉर्निंग रखी उससे, मैंने बोला कि अपना ये गुड्डे हटा के दो गुड मॉर्निंग रख दो, उन्होंने चारों ही रख दी है गुड्डे गुड मॉर्निंग। ये देखो ना दो गुड्डे है दो गुड मॉर्निंग है, मैंने अलग करने के लिए बोला था लेकिन चारों ही रख दी। ठीक है तीन गुड्डे है, तीन गुड मॉर्निंग है एक गुड्डे है। क्या बात कर रहा हूँ। हाँ तीन गुड मॉर्निंग है एक गुड डे है, वो तो अच्छा है ना फिर। हाँ तो ठीक है पता है वो पैकेट इतने से हैं कि वो ना एक बार में एक खाए जाते हैं कि चाय वाय बनाई तो खा ली। बड़ी ब्रांड नहीं मिल रही लेकिन छोटी ब्रांड। हाँ तो हम लोग अभी मैं आलू उबाल देती हूँ। क्या हुआ था आलू कम हो गए थे घर में, आलू की ना अकाल हो गई है। कौन कौन कुरकुरे मस्ती खाना चाहता है इनका फेवरेट? आई डोंट लाइक इट। आप ही का लाइक इट है? ओके ओके आई लाइक इट। आप ही का लाइक इट है? बचा के रहता आपको पता, मैंने कभी मन हुआ मेरा तो खाऊंगी। तो शिवानी ने ये सैनिटाइजर खरीदा है और इससे पूरे घर में सैनिटाइज करती रहती है। हाँ ये स्प्रे बॉटल आपको पता है ये ना टॉयलेट की सीट की सैनिटाइजर है। और ना मैं जैसे कोई बाहर से आ रहा है ना तो मैं उसके कपड़ों पे जरूर डाल देती हूँ। जैसे राजा आया मैं आई, राजा जरूर आ जाए तो मैं थोड़ा ना अपने घर में ऊपर मैं स्प्रे कर देती कि सैनिटाइजर है, बेसिक टॉयलेट का सैनिटाइजर है पर कहीं ना कहीं तो असर करेगा। सीट सैनिटाइजर है वो, पर अभी वो सबके लिए काम आ रहा है। तेरी आज हम लोग थोड़ी मस्ती नहीं कर रहे, कोई भी कोई गाना ही नहीं गा रहा घर में, माइक पड़ा है। जब पता जब मैं माइक उठाती तभी राजा माइक उठाते हैं। तो ये छोटके आलू हैं, छोटके आलू ये हैं 30 रुपए किलो, एक किलो आलू 30 रुपए का है। थोड़ी नॉलेज दे, एक आलू 30 रुपए का है, मतलब यही काम कर रहा है बच्चा का। टोटल टाइम पास के लिए कुछ भी करा होगी क्या? मैं तुम्हें घुमा रही हूँ, आप से तोड़ोगी क्या? आलू टूट जाएंगे। खूब आनंद है। क्या खूब आनंद है? खूब आनंद में The Bluetooth device is connecting successfully. गाड़ी वाला आया घर से कचराने का, गाड़ी वाला आया घर से कचराने का, गाड़ी वाला आया घर से कचराने का। Thank you.
सा गायब हो गई थी, मैंने बालों में तेल लगाया, उससे पहले मैंने कुछ बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक मैं थोड़ा वीडियो में ही देख लिया होगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है ये है बेसन के लड्डू, तो ये इतने ही बने, मेरे पास बेसन सफिशेंट नहीं था। अगर अब मुझे बनाने होंगे ना तो मैं आटे के बना दूंगी। तो मीठा खाने का बड़ा मन होता है राजा को, ये है कि खाने के बाद मीठा चाहिए चाहिए, तो मुझे लगा कुछ बनाना पड़ेगा। कल भी ये मीठा मांग रहे थे, और ऐसा कुछ मीठा घर में है नहीं, बाहर से खरीद नहीं सकते, तो ये बहुत अच्छा था। मेरे को लगा यार बेसन के लड्डू बना रहे थे, बेसन के लड्डू राजा को मेरे हाथ के बहुत पसंद है। तो जो बेसन के लड्डू है मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती, मुझे ड्राई फ्रूट्स किसी भी मिठाई में नहीं पसंद है। अभी जैसे हम लोग बादाम खा रहे हैं तो वो रात में भिगोते हैं और सुबह उसे खाते हैं, तो पाँच पाँच के हिसाब से बादाम खाते हैं हम लोग। काजू हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर मैं काजू खाती हूँ तो मुझे ना पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उससे। क्या हुआ? हाँ तो सर जो पिंपल हो जाते हैं इसलिए नहीं खाते। तो ये इलायची और बेसन और शुगर, इसमें इलायची जो है वो फ्लेवर के लिए। घूम के आ गई? आ गई घूम के। लड्डू कैसा लगा था आपको? तो मुझे बड़ा मन कर रहा था खाने का लड्डू, तो मैं एक लड्डू खा रही हूँ आप लोगों के सामने। और मैंने ऑयलिंग कर ली है, मुझे कल बाल जो हैं वो वॉश करने हैं, मतलब आज बाल जो हैं वो वॉश करने हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, मैं आपको बताऊँ टाइम क्या हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं साढ़े छः, और सुबह सुबह एक लड्डू खा रही हूँ मैं। तो आप घर में बना के खा सकते हैं कुछ भी, अगर आपको मीठा खाना है तो आप घर में बना के खा सकते हैं। आज नवरात्रि का 8th day है और मम्मी पापा का आज व्रत है, मैं नहीं रखूँगी व्रत क्योंकि आज मैं ना पूजा कर सकती हूँ ना मैं भी खाना बना सकती हूँ। तो आज मैं बात या मच्छर ना आप बताए, इतने मच्छर हो गए ना बेडरूम को छोड़ के, हर एरिया में मच्छर है, मतलब इतने मच्छर हैं कि मेरा पूरा पैर लाल हो गया, उन्होंने मुझे इतना बुरा काट लिया है। चलिए मैं थोड़ा सा ना लेट के आती हूँ, पता है इतनी जल्दी उठने का कोई फायदा नहीं है, अगर मैं इतनी जल्दी उठ जाऊंगी ना तो पूरा दिन बोर हो जाएंगे हम लोग, तो इतना काफी है अभी के लिए। बोल रही अभी से उठने का कोई फायदा नहीं है, टाइम नहीं पास होगा, कहीं जा भी नहीं सकते, तो मैं अभी थोड़ा और लेट के आती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग। ले लिया है और मैं अपनी नॉर्मल कपड़ों में हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं, ऑब्वियसली अब घर में तो कंफर्टेबल रहिए। बस फिर मैंने शाल लिया, उसके बाद फिर मैंने पोहा बनाया, कपड़े डले हुए हैं, कपड़े धुल रहे हैं अभी, छोले जो है वो भिगो के रखे हैं मैंने लंच और डिनर के लिए। तो मैं वही जो है एक सूखी से छोले की सब्जी बनती है उसके साथ पूरी वगैरह सेक दूंगी, तो वो दो टाइम यूज हो जाएंगे। तो पोहा मैं नाश्ते में आज कर लिया था राजू का, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चेहरा सही करूँ, देखिए मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। बहुत सारे कपड़े धोने के बाद और रसोई साफ़ करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, और उसके बाद दूध रखा था मैंने, आप लोगों ने अगर देखी होगी तो, मैं बेडरूम साफ़ करने चली गई, दूध बाहर निकल गया, तो काफ़ी सारा दूध बाहर निकल गया। राजा जो थे वो भी काम करा रहे थे, बेडरूम में ही थे, हम बेडरूम क्लीन करने में लगे थे आज, और ये हो गया कि दूध ही निकल गया। उसके बाद आप मेरे को ऐसे कपड़ों में देख रहे हो, मैं पार्टी में जा रही थी अभी, लॉकडाउन खत्म हो गया, तो मैं पार्टी में जा रही थी। तो एक्चुअली मैं पार्टी में नहीं जा रही थी, मैं कुछ वीडियो शूट कर रही थी जो रखी हुई थी पहले की पड़ी हुई थी,
तो वो मैंने शूट करी एक महीने से, एक पैकेट पड़ा था, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग मुझसे बोलेंगे आपके पास पार्सल कहाँ से आया जबकि लॉकडाउन है, हो सकता है कोई मुझसे पूछे उस वीडियो के बारे में। तो एक महीने से पड़ा था और मैं उसे पहले ट्राई करती हूँ, क्या होता है जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो मैं उसे एक महीने तक ट्राई करती हूँ, उसके बाद जाके मैं सोचती हूँ कि करना है नहीं करना। फिर वो जो चीज़ थी ना वो सीरियसली बहुत अच्छी थी, मेरे को लगा यार करना चाहिए। लिपस्टिक है वो, समर का कलेक्शन है, काफ़ी अच्छा है, अगर आपको ट्राई करना है ना तो आप एक बार ज़रूर करिएगा। पता है बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं, बहुत लाइट वेट हैं, इवन ड्राई भी नहीं होती है। मैं मैक्सिमम व्लॉग्स में आई थिंक एक महीने के आसपास हो गया कि मैंने व्लॉग्स में कंटिन्यूसली लगा रही हूँ। नमस्कार नमस्कार। तो मैंने चेंज कर दिया है, काफ़ी सारा काम निपटा है मैंने भी, तो ये दूध गिर गया था, मैंने सफाई कर दी थी और पानी से धो दिया था, तो यहाँ पर डब्बा भी रखा हुआ है। तो ये डब्बा पर कोई पता है कहाँ का डब्बा है? ये डब्बा ना फेना के साथ मिल रहा था, फेना एक डिटर्जेंट आता है उसके साथ ही डब्बा मिल रहा था, और हम लोग ने जो डब्बा था ये 150 रुपये में ले लिया था उससे, पैसा देख के तो उसने ले लिया था। जो 800 कंटेनर है उसमें काफ़ी सामान आ रहा था, इसको मेरे को रखना है कहीं, इसके लिए जगह बनानी है, इसके लिए जगह नहीं है मेरे पास, तो देखती हूँ कहीं बनाती हूँ जगह। और अभी मैं ना छोले उबालने के चक्कर में हूँ कि मैं छोले पूरी बनाऊँ, सूखे छोले बनते हैं, प्याज वाले बहुत अच्छे बनते हैं वो, बट पानी आ रहा है। मम्मी पापा के पास मैं कल से जाना शुरू कर दूँगी, कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे जाने में पाबंदी नहीं है आपकी, मम्मी पापा तो आ सकते हो पर आप भी जाके बैठ सकते हो। तो बात यह है कि अभी मम्मी का जो पैर है, मम्मी को ठीक होने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा, तो अभी आप मान के चलिए 1-1.5 महीना रहेगा, ठीक है? तो अभी मैं जाके बैठूंगी, पापा के लिए ना थोड़ा सा वो जाता है बेडशीट वगैरह पे आप बैठ गए, फिर वो व्रत में आप सोचिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार सही है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। फिर मेरे को लगता है कि मैं जाके बैठूंगी, फिर उन्हें वॉश करना है, फिर वो ऑटोमेटिक है, वैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, पर मैं नहीं चाहती काम पहले कुछ, तो ऐसे मिल के आ जाती, मैं खड़े खड़े मिल के आती थी, खड़े भी मिल के आ गई आगे। तो कल से जो है प्रॉपरली अब मैं जाना शुरू कर दूंगी, मैंने आज बाल वगैरह धो लिए, और कल जो है थोड़ा सा कन्या भोजन भी है, बट भोजन अब कन्या का नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अभी वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, तो आप किसी को बुलाओगे नहीं और कोई आपके पास आएगा भी नहीं। राजा कॉल कर देना मम्मी से, बोलो मोटर का प्लग नहीं लगा है ना, तो कोई आएगा नहीं और कोई जाएगा भी नहीं, नहीं लगा पक्का, हाँ पक्का नहीं लगा, बहुत टाइम हो गया, तो ये वाली प्रॉब्लम है इसीलिए। और मम्मी पापा ऊपर आए तो पापा ऊपर आएंगे कि तू क्या करेंगे, मम्मी को देखना पड़ता है, मम्मी के पूरे टाइम एक इंसान का रहना ज़रूरी है, जैसे कभी राजा और पापा कहीं गए हैं तो मुझे रहना ज़रूरी है, तो किसी ना किसी का रहना ज़रूरी है क्योंकि उनका पैर जो है वो पूरे टाइम बेड पे है अभी, इसीलिए थोड़ा बहुत मूव करती हूँ जैसे वो कहीं बैठ गई हैं जा जाके, पर वो वर्किंग नहीं है अभी पैर जी। मेरा बर्तन देखिए कितना गंदा हुआ है, अभी
जाने का गम, राजा चिढ़ रहा है। हाय, देखिए मैं लड्डू लेके आई हूँ, राजा को लड्डू खिलाएंगे हम। राजा, राजा पता क्या करते हैं रात में, राजा पूरा काम करने के बाद घर में भी हेल्प कराते हैं बहुत, तो जब भी हेल्प कराते हैं तो यहाँ पे आकर लेटते हैं और बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं पिक्चर ढूंढ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, तो ये दो तीन पिक्चर सॉर्ट आउट करते हैं या वेब सीरीज में तो पूरा रात ही नहीं। अब इनको लड्डू खिलाए जाएंगे, लड्डू के साथ पानी भी दे दिया करो, थ्री इडियट देखोगे। कई बार लड्डू बहुत टेस्ट लगते हैं, ऐसा लगता है कि खाते रहो खाते रहो खाते रहो। हाँ, बड़ी ब्यूटी एंड द बीस्ट देखी है हमने? हाँ देखी है हमने, क्या नहीं देखा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमने दुनिया भर की सारी पिक्चरें जो हैं वो देख ली हैं। आपको पता है इस रूम में सबसे अच्छा क्या है, ये रूम जो है रसोई से अटैच्ड है, तो यहाँ का जैसे एसी चल रहा है ना, तो पूरा जो मेरी रसोई है वो ठंडी हो जाती है, मतलब गर्मी लगती है अगर आप यहाँ पे हैं, मतलब रसोई से लेके ये कहाँ तक ठंडा करता है। वो वाला जो रूम का गेट दिख रहा है आपको, बेडरूम का जो गेट दिख रहा है ना, वहाँ तक जो एसी है वो ठंडा करता है। देखो चढ़ेंगे अभी, देखो मैं चढ़ा दी, ठीक है? आज ही मेरे गाने से चढ़ रहे हैं, मेरे गाने से कौन चढ़ता है ये लाइक करके बताइए। राजा मेरे, राजा मेरी गाना गाने से बहुत ज्यादा वो करते हैं, ये सब नफरत। देखिए अब मैं गा रही हूँ तो पता है बहुत गंदा गंदा बना रहे हैं, अपने मन से बोला जा रहा है। बाहो को बाहो में भरने दो जरा, अब तो जानू की कर दो ना। हम तुम नंगू पंगू क्यों दिखा रही है? तुम भूख लग रही है तो बन रहा है ना। हम तुम, ये तुम्हें बुखार क्यों है? कांटा लगा, देखना अभी अभी ज्यादा चढ़ेंगे, ठीक है? गाना में बहुत गा रही थी, परेशान हो गई। देखिए हाँ, बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हर पियारे हरे हरे हर पिया, मारूंगा कांटा लगा मच्छे को ना। मैं वैसे परेशान हूँ यार राजा। देखो ना तुम्हें बुला रहे हो, आ गया। फोटोग्राफ देखोगी? पकले ही पता है, जो दिखाना है दिखा दो यार, मैं तो बैठ के बस देखना ही तो है। समर क्या है? समर ऑफ 60 देखूंगी मैं आज, पता है। आज सीरियसली जो राजा है वो मुझसे फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब क्या हुआ, मुझे मन ही मन बहुत गालियां बक रही है बहुत ही, और पता है मन से फालतू की बातें मत करो यार। मैं तो कुछ चिढ़ गया, राजा को बिल्कुल नहीं पसंद मैं ऐसे शब्द यूज करूं घर। राजा तुम कितनी कितन वो करते हो मुझसे, हां तुम कितना गुस्सा मुझसे। मेरे को लगा ये बोलने वाले इतना सड़ा गाना और मेरा सर दुख गया। खुश हो रहे बेटा तुम? कुछ ना कुछ तो है अंदर ही अंदर चल रहा तुम्हारा। तो दोनों बाद मैं बेडरूम में आई हूँ आप लोगों के सामने, तो अभी जो छोले मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं और अब हम टफरी मार रहे हैं, पता है आपको। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक तकिया गायब है राजा, कुच्चा हो गया, कुच्चा हो मेरी। पता है ये इतनी डेंजरस है, ये हम लोग के मोबाइल चार्जर पे जा के गिराता है ये बहुत डेंजरस है ना। बोनी 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 बोनी, इन लोग की वॉक जो है वो भी नहीं हो रही, छत पे हो रही जितनी हो रही है, वॉक भी नहीं हो रही मेरी। चल जा मोटे, क्या देख रहे, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें दूध पीना है? राजा दूध पी रहे हैं, उसे भी दूध पीना है। को बोधो का नाम है नया, मेरा नया नाम वो है मोटा गेंदा, उसका नया नाम गेंडा है, गेंडे। पता है तब भारी हो रहा है, अभी सोता रहता है पूरे टाइम। असली लॉकडाउन तो ये हुआ है, असली लॉकडाउन मेरे दोनों पग हुए हैं। क्या 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 देख रहा है? तो अभी जो है हम लोग मूवी देखेंगे, और राजा मैं सोच रही हूँ एक महीने के लिए काम ना करूं।
यूट्यूब पे सोचो ना, अब मैं भी एक महीने हम अब कोई मतलब नहीं है अभी भी काम करने का, क्योंकि हर जगह कोरोना वायरस हो गया, तो मैं सोच रही हूँ एक महीने काम ना करूँ। नहीं मैं सच में सोच रही हूँ राजा, मुझे भी मन करता है कि मैं भी काम ना करूँ एक महीने, और एक महीने बस होता है, एक महीने काम नहीं करना मुझे यूट्यूब पे। एक महीने के लिए मैं जा रही हूँ, मैं एक महीने के लिए यूट्यूब से जा रही हूँ। हाँ मैं एक महीने के लिए यूट्यूब से जा रही हूँ। मैंने कल डिसाइड किया 31 मार्च को कि मैं एक महीने के लिए जा रही हूँ यूट्यूब से, और मैं आप लोगों से अब एक महीने बाद ही मिलूंगी। सच में सच में सच बोल रही हूँ आप लोगों सच में। अप्रैल फुल बना रही हूँ मैं तो अभी हम लोग चला रहे हैं टीवी। मैंने आप लोगों को अप्रैल फुल बनाया, एक्चुअली मैंने राजा को सुबह अप्रैल फुल बनाया, मुझे किसी ने अप्रैल फुल बनाया ही नहीं। कहीं तुम मुझे जोक तो नहीं मार रहे हो ऑफिस जाने के अप्रैल फुल बना रहे हो? कुछ भी अब बोल दो ना अप्रैल फुल बनाया तो पूरी और सब्जी खा के सो गए, फिर हमने कॉन्जरिंग देखी दोबारा से, फिर कॉन्जरिंग 2 देखी। कॉन्जरिंग 2 तो ठीक थी, कॉन्जरिंग 2 का जो भूत है वो तो डरावना नहीं, वो तो नन है ना। हाँ नन ही आई थी ना उस मूवी आई थी। और कॉन्जरिंग 1 हम लोगों ने ना जब रिलीज़ हुई थी ना, जब कॉन्जरिंग जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने तभी देखा था जब वो रिलीज़ हुई थी उस टाइम पे। तो कॉन्जरिंग जब देखी दोबारा, तो कॉन्जरिंग देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, राजा को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। और मेरा मन ख़राब हो जाता है हॉरर मूवी देख के। पहले हम लोग बहुत हॉरर मूवी छाट छाट के लाते थे, छाट छाट के देखते थे, छाट छाट के निकालते थे और देखते थे, और उसके बाद डरते भी नहीं थे और डरते भी थे, दोनों कंडीशन थी। कॉन्जरिंग देख के काफ़ी डरे थे हम लोग। कल कॉन्जरिंग चल रही थी, मेरा सेकेंड पार्ट देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कॉमेडी मूवी देखते हैं या कोई थ्रिलर देखते हैं या कोई सस्पेंस मूवी देखते हैं या कोई एक्शन मूवी भी चल जाएगी, और नहीं देखनी। तो मैंने तो बोला यार कुछ और चला दो, मैं भी कॉमेडी वगैरह चला दो। पता है थोड़ा मूड मेरा ख़राब हो गया कल सेकेंड पार्ट के बाद। तो सेकेंड पार्ट तो थोड़ा सा चटाऊ टाइप का था, मतलब मज़ा नहीं आया सेकेंड पार्ट में, मुझे मज़ा ही नहीं आया। सेकेंड पार्ट भी देख लिया, उसके बाद फिर हम लोग जाके सोए हैं। और छोले पूरी बहुत ही टेस्टी थी, छोले पूरी खाई थी हम लोगों ने। और आई थी मैंने आपको छोले दिखाए थे, पूरी नहीं दिखाई थी, पूरी मैंने बाद में बनाई थी, छोले पूरी खाई थी हम लोगों ने। आज है नौमी, तो हैप्पी रामनवमी गाइस। अब एक चीज़ और, आप लोगों को बहुत 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 अलर्ट होने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जो है जो चीज़ 200 बढ़ती थी वो 600 क्रॉस कर गई है ना। आप सोचिए एक दिन में 600 केस बढ़ गए, और वो चीज़ 2000। अब हम लोग के यहाँ पे 2000 से ऊपर कोरोना पेशेंट हैं, और अभी भी वो ट्रेस नहीं हुए हैं। एक दिल्ली का केस हुआ है, आप लोगों को सबको पता होगा, तो उस केस के कारण काफ़ी ज़्यादा जो है वो संख्या जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आप अभी भी थोड़े लापरवाह हैं और बाहर घूम रहे हैं ना, तो आपको पता है इस बीमारी की कोई एज नहीं है कि आपकी इतनी एज है। क्योंकि कुछ लोग हैं इस गलत फहमी में कि हम लोग तो अभी छोटे, हम लोग का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, हम लोग जवान हैं, हम 20-25 साल के, हम 30 साल के, हम लोग 35 ईयर्स के, हम लोग तो घूम सकते हैं। सिर्फ जो 60 अबव है उनको दिक्कत हो रही है। तो कुछ लोग हैं इस गलत फहमी में। तो कल ही 25 ईयर्स ओल्ड की डेथ हुई है कोरोना वायरस के कारण।
तो एज कुछ नहीं है, लापरवाही ही जड़ है इस बीमारी की। जो इंसान लापरवाही कर रहा है सब जानते बूझते, उसे ये बीमारी लग जाएगी। इसलिए प्लीज घर के अंदर बंद होके रहिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आपको पहले से और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप अभी अलर्ट नहीं रहे तो फिर शायद आप जिंदगी भर अलर्ट रहने के लिए बचेंगे ही नहीं। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड। अपर फ्रूम मैंने आपको बना दिया छोटा सा, ठीक है, और राजा तो मुझे कल से बना ही रहे हैं, कई बार बना देने मुझे रात में। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।